देश भर में लोकसभा चुनावों का फीवर हाई है। हरियाणा में भी चुनावी चौपाल के जरिए सरकार के मंत्री पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू विधानसभा के कई गांवों में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने करीब 16 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। सिवानी मंडी में 8.5 करोड़ की लागत से बनने वाले जलघर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। गांव पहाड़ी नकीपुर के ग्रामीणों को एक नए जलघर की सौगात दी। लोहारू में 7.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सब्जी मंडी का भूमि पूजन भी किया। वही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार ने किसानों और पशुपालकों की आयु बढ़ाने के लिए नई नई योजना लागू की है। चाहे वो आगे फर्टिलाइजर का है या पेस्टिसाइड है या और कोई छिड़काव करना है, हम कोशिश करेंगे कि खेतों के अंदर जो उनको रोजगार दे, काम की गारंटी दे, अच्छी कमाई हो। पहला महीना इनको है फ्री में ड्रोन मिल गया, फ्री में गाड़ी मिल गई, फ्री में 1 लाख रुपए की आमदनी होगी। तो ये तरीका है कि महिलाओं को लक्ष्य बनाने का। ये अकेला यही काम नहीं है, अपने क्षेत्र के अंदर तो मैं बता रहा हूँ खादी बोर्ड। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आज गौवंश में नस्ल सुधार के लिए नई नई तकनीकी को अपना रही है और यही वजह है कि आज दूध उत्पादन में हरियाणा का सराहनीय योगदान माना जाता है। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।